वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे सदारत होने वाले इस इजलास में मज़ीद क्या बातें हुई, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे कज़ाफ़ी बट से। कज़ाफ़ी बट, बताइएगा हवाले इस इजलास का। बिल्कुल जी, इजलास के अंदर जो है वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े तौर पर एक चीज का तो ऐलान कर दिया कि वज़ीर-ए-आला जो है वो पंजाब के सिर्फ और सिर्फ उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। उनका ये कहना था कि उन्हें मालूम है कि साजिशें कौन कर रहा है और वो उनको जानते भी हैं। अगर मैंने किसी और को वज़ीर-ए-आला लगाया तो वो और चंद घंटे भी जो है वो नहीं निकालेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जो है ब्यूरोक्रेसी पर भी वाजे किया कि वो वज़ीर-ए-आला के साथ टीम के तौर पर जो है वो काम करे और उन्हें जो है वो शिकायत नहीं आनी चाहिए। और जो नाराज अराकीन का भी एक मामला चल रहा था, वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें भी तंबीह की कि घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए, आप सब लोग मेरे लिए काबिले एहतराम हैं और इसलिए जो मामला था वो घर ही में हल करें। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को भी ये कामात दिए कि वो तमाम अराकीन असेंबली का जो है वो एहतराम करें। आटे बहरान का भी मामला था जिसके अंदर उन्होंने इंतजामिया को सरजनिश की कि उन्हें इस बहरान का इलम है कि इसमें कौन से अपने लोग मुलविस हैं, लेकिन मैं उन लोगों के नाम सामने नहीं लाना चाहता, बेहतर होगा कि ठीक है। कज़ाफ़ी बट, बहुत शुक्रिया आपका।